लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तुम कौन हो? मैं कौन? मैं तुम्हारा पति प्रताप। मेरे पति? नहीं, तुम मेरे पति नहीं हो। अरे, ये तुम्हें क्या हो गया? मैं तुम्हारा पति हूँ। उस एक्सीडेंट में मैं बच गया था। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने अपनी आंखों के सामने तुम्हारी गाड़ी को जलते और टुकड़े टुकड़े होते देखा है। तुमने ठीक देखा है, लेकिन जिसे वो बचाना चाहता है उसे कोई नहीं मार सकता। लेकिन तुम बचे कैसे? हमारी गाड़ी के एक्सीडेंट के बाद जब तुम मदद मांगने के लिए बाहर निकली थी, तब मैं किसी तरह गाड़ी से बाहर निकल के आया। उसी वक्त एक धमाका हुआ और मैं बेहोश हो गया, और जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाया। पता लगा कुछ लोग मुझे उठाकर ले गए थे और मैं कई दिनों तक बेहोश पड़ा रहा। पूजा, तुम्हारे प्यार की शक्ति ही मुझे मौत के मुंह से निकाल लाई। मैं ही तुम्हारा प्रताप हूं। तुम्हारी बहुत कृपा है माँ, तुमने मेरा सुहाग बचा लिया, मेरा पति वापस आ गया। प्रताप नहीं हो, बोलो कौन हो तुम? अरे पूजा, ये तुम्हें क्या हो गया? मैं तुम्हारा प्रताप हूँ। नहीं, प्रताप की पीठ पर कोई मस्सा कोई दाग नहीं था। कौन हो तुम? बोलो कौन हो तुम? अरे क्या फर्क पड़ता है कि मैं प्रताप हूँ या रंजीत? तुम किसी को तो ये बता सकती नहीं कि प्रताप मर गया है और मैं रंजीत हूँ, क्योंकि ये सुनते ही वो बुढ़िया मर जाएगी। तुम चाहते क्या हो? अपनी शक्ल का फायदा उठाना चाहता हूं। प्रताप से अपनी शक्ल मिलती है, अरे आखिर क्यों ना मिले? मैं प्रताप के बाप की नाजायज औलाद हूं। नाजायज औलाद? इस करोड़ों की जायदाद में 50 लाख तो मुझे भी मिलना चाहिए। ठीक है, मिल जाएंगे, मगर इतना याद रखना, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ माँ के लिए कर रही हूँ। अगर उन्हें कोई भी ठेस पहुंची तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। माँ को यही पता लगना चाहिए कि हम दोनों बहुत सुखी पति पत्नी हैं। और दूसरी बात ये कि मैं यहाँ सोऊंगी और तुम वहां उस कमरे में। जहां बोलोगी सो जाऊंगा, जो कहोगी करूंगा। अपने को तो अपने 50 लाख से मतलब है। पति की एक्टिंग करते करते तुम्हें पत्नी बनाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा सुंदरी। जो रंजीत, कहो कैसी कटी पहली रात? तब मामला फिट हो गया ना? बस जरा सी गड़बड़ हो गई, पूजा ने मुझे पहचान लिया। क्या? अरे बेवकूफ उल्लू गधे, मैं तुम्हें वो सारी वीडियो फिल्म इसलिए दिखाई थी कि तू प्रताप की हर बात हर अदा तो अच्छी तरह से सीख ले, और तू है कि पहली रात ही चितोगे? अरे बॉस, अब तुम ही सोचो जरा, इतनी सेक्सी लड़की अगर अपनी बाहें फैलाए
मेरे सीने से चिपके तो मैं कीर्तन करता। किंतु पकड़ा तो गया ना, सब सत्यानाश कर दिया। पूजा अगर तुझे प्रताप मान लेती ना, सारी दौलत मुट्ठी में होती। बेकार ही परेशान हो रहे हो, मैंने सब कुछ फिट कर दिया है, वो सबके सामने मुझे प्रताप बनाकर ही रखेगी और उसके लिए मुझे पूरे 50 लाख रुपए देगी। तो मैं एकदम मुल्लू के पट्टे हो। अब क्या हो गया, तुम 50 लाख रुपए से खुश हो रहे हो? मेरा तो 20 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, 20 करोड़ का। मैंने तुमसे उसकी गाड़ी के ब्रेक इसलिए निकलवाए थे ताकि वो वहां दोनों मर जाए और तुम यहाँ प्रताप बनकर आ जाओगे। रानी माँ मरी और ये सारी दौलत हमारी, लेकिन जो होना था सो हो गया। लेकिन अब दोबारा कोई गलती मत करना। पूजा जा, जा चुप जा, जा। नमस्ते मामा जी। नमस्ते बेटी। पूजा बेटी तुम यहाँ कैसे? मामा जी एक मुसीबत आ गई है। क्या है बेटी? कल सिंदूर उत्सव में अचानक एक आदमी आ गया जिसकी शक्ल प्रताप से बिल्कुल मिलती है, यहाँ तक कि रानी माँ भी उसे अपना बेटा मानती हैं। क्या कह रही हो तुम, कुछ पता चला वो कौन है? वो कह रहा था उसका नाम रंजीत है। रंजीत? मामा जी अब मैं क्या करूं? संभल कर रहना बेटी, जब दीदी ने उसे प्रताप मान ही लिया है तो तुम्हें भी उसकी बीवी बने रहने की एक्टिंग करनी पड़ेगी। लेकिन मामा जी एक अनजान आदमी के साथ डर लगता है। बेटी बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं जो हूं सब संभाल लूंगा। ठीक है मामा जी अब मैं चलती हूं। खुश रहो बेटी। इस तरफ और उस तरफ लगा। अच्छा रानी माँ। डाइनिंग के लिए यहाँ इस तरफ एक और उस ये सब तरफ क्या एक। हो रहा है माँ? आज प्रताप का जन्मदिन है ना, बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। अब पूजा एक गाना गाएगी। क्या माँ, ये क्या छोटा बच्चा है जो हैप्पी बर्थडे गाना गाएंगे? अरे मैंने कब कहा कि तुम हैप्पी बर्थडे गाना गाओ, जो गाना तुम्हें सबसे पसंद है वही गाना गाओ। कैसे आए? जब पति डुप्लीकेट हो सकता है तो चाबी डुप्लीकेट नहीं हो सकती क्या? तुम चाहते क्या हो? तुमने मेरा दिया हुआ केक तो मुंह से निकाल कर फेंक दिया, लेकिन अब तुम मुझे इस कमरे से नहीं निकाल सकती। तुम्हारा मतलब? धीरे बोल धीरे, वरना तेरी सांस जाग जाएगी। आ,
तूने मुझे छुआ तो इसकी सारी गोलियां तेरे सीने के पार हो जाएंगी। तुम मुझे गोली नहीं मार सकते क्योंकि गोली की आवाज सुनते ही बुढ़िया यहाँ आ जाएगी और तुमसे पूछेगी, पूजा ये तुमने क्या किया? तो क्या जवाब दोगी? और असलियत सुनते ही बुढ़िया मर जाएगी। माँ जी का क्या होगा मैं बाद में सोचूंगी, लेकिन अब तू मारा जाएगा। गेट आउट, आई सेड गेट आउट। हेलो प्रेम। पूजा तुम? प्रेम मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। क्या बात है पूजा, सब ठीक तो है ना? कब मिल सकते हो? जब तुम चाहो, आज आ जाओ। ठीक है मैं अभी आती हूँ। प्रणाम माँ। हैप्पी बर्थडे माँ। प्रताप कहाँ है? सो रहे हैं। लंदन से आने के बाद प्रताप कुछ बदल सा गया है। क्यों, आप ऐसा क्यों सोचती हैं माँ? देख रही हूँ, देर तक सोता है, शराब पीता है, ऐसा तो पहले कभी नहीं करता था। वैसे शादी के बाद आदमी थोड़ा बहुत तो बदल ही जाता है, और फिर कल रात पार्टी में दोस्तों के साथ पी गए होंगे। गुड मॉर्निंग रानी माँ। गुड मॉर्निंग। हेलो पूजा बेटा। गुड मॉर्निंग। मैं आपके लिए बहुत अच्छी खबर लाया हूँ। मैंने आपकी ब्लड रिपोर्ट, ईसीजी रिपोर्ट खूब गौर से देखी है। आपकी सेहत पहले से अच्छी हो गई है, और ये सब हमारी दवाओं का चमत्कार है। ये आपकी दवाओं का चमत्कार नहीं है डॉक्टर साहब, ये तो पूजा की सेवा का चमत्कार है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। पूजा की सेवाएं और हमारी दवाएं साथ साथ चलती रही तो एक दिन आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। यानी अब ये नहीं मरेंगे? मेरा मतलब है कि अब डरने की कोई बात नहीं है डॉक्टर साहब। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, किसी किस्म की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जी अच्छा रानी माँ, मैं चलूँ? डॉक्टर साहब आप शहर जा रहे हैं? हाँ। मैं भी आपके साथ चलती हूँ, वहाँ मुझे थोड़ा काम है। कम ऑन, वेलकम। चलती हूँ माँ। जाओ। अच्छा बुढ़िया तो मरने का नाम ही नहीं लेती है, जी तो करता इसका गला दबा कर खत्म कर डालू। प्रताप, प्रताप, ए प्रताप। हाँ माँ। आज तारीख कौन सी है? 1 नवंबर। क्यों, कोई खास बात है माँ? नहीं कोई खास बात नहीं, ऐसे ही पूछा था। माँ मैं जरा बाहर जा रहा हूँ, एक जरूरी काम आ गया। अच्छा जा। Happy birthday to you.